नमस्ते दोस्तों, अभी हम बात करेंगे एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के बारे में। तो जैसे आपको मालूम है कि एक्सप्लोजिव बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो नॉर्मली कंट्रोल एक्सप्लोजन के लिए भी यूज होते हैं, या फिर बिल्डिंग डिमोलिशंस के लिए यूज होते हैं, या फिर अगर कहीं पे वेल या माइनिंग अगर ऐसे कोई प्रोसेस होती है तो ये प्रोसेस के लिए भी आपको एक्सप्लोजिव यूज करना पड़ता है। तो अगर आपने यूएन क्लासिफिकेशन देखा होगा तो यूनाइटेड नेशंस क्लासिफिकेशन में एक्सप्लोजिव ये फर्स्ट कैटेगरी वाला सब्सटेंस है और जिसमें ये एक्सप्लोजिव का सिंबल यूज किया जाता है। तो जो भी स्टोरेज या व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कहीं पे आपने सब्सटेंसेस स्टोर किए होंगे या फिर मैन्युफैक्चर किए होंगे, पैकिंग किए होंगे, तो वहां पे ये सिंबल से आपको पता चलेगा कि ये एक्सप्लोसिव का सिंबल है और उसके बेसिस पे आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स डिसाइड करने होंगे। तो ये जो एक्सप्लोसिव एक्ट है 1884 में स्टार्ट हुआ है, इसमें 18 सेक्शंस थे और ये टोटल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो ये 18 सेक्शंस में से जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोसिव एक्ट का, वो स्पेशली एक्सप्लोजिव ओरिएंटेड जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स या फिर रेगुलेशन है उसके बारे में ये सेक्शन है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव या फिर पजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, यानी कि आपको कैरी करना है, स्टोर करना है, या फिर कुछ अप्लाई करना है कहीं पे एप्लीकेशन है, या फिर आपको सेल करना है कहीं पे, ट्रांसपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, यानी कि इंडिया में आपको एक्सप्लोसिव परचेज करना है, लाना है, या फिर इंडिया से बाहर भी लेके जाना है, तो हर एक प्रोसेस या एक्टिविटीज के लिए आपको एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 लागू होगा। तो पहला जो सेक्शन है वो नॉर्मली जैसे शॉर्ट टाइटल और लोकल एक्सटेंट का होता है, सेकंड जो होता है कमेंसमेंट, और थर्ड सेक्शन इसमें रिपील्ड हो चुका है, और फोर्थ सेक्शन जो है वो डेफिनेशंस का है। तो इसमें जो डेफिनेशंस दी गई है वो डेफिनेशंस में अलग अलग डेफिनेशन, जैसे कि एयरक्राफ्ट है या फिर कैरिज है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या फिर एक्सप्लोजिव है। तो कुछ जो डेफिनेशंस जैसे वर्डिंग कैरिज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एयरक्राफ्ट, इसके नॉमिनल जो नॉर्मल आपको मीनिंग्स मालूम होते हैं उसी हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये एक्सप्लोजिव एक्ट है इसलिए आपको एक्सप्लोजिव का स्पेसिफिक डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन वो फोर्थ सेक्शन डी सबसेक्शन में दिया है। तो ये एक्सप्लोसिव का मीनिंग है यहाँ पे गन पाउडर या फिर नाइट्रोग्लिसरीन या फिर नाइट्रोग्लाइकॉल या फिर गन कॉटन, डाइनाइट्रोटोल्यून, ट्राइनाइट्रोटोल्यून, पिक्रिक एसिड या डाइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोरिसोर्सिनॉल, यानी कि स्टिफनिक एसिड, या फिर साइक्लोट्राइन थिलीन ट्राइनाइट्रामाइन, या फिर पेंट्रा इरिथ्रिट्रॉल टेट्राजन नाइट्रेट, या फिर टेट्रिल नाइट्रोगेनाइड, लेडाजाइड, लीड स्टाइफेनेट या फल्मिनेट ऑफ मर्क्यूरी। तो ये ऐसे अलग अलग यहाँ पे केमिकल्स के नाम क्लियरली दिए हैं, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये स्पेशल इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्सप्लोसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक डेफिनेशंस में डायरेक्टली यहाँ पे केमिकल्स के नाम दिए गए। जैसे कि यहाँ पे डाइनाइट्रोफिनॉल है, या फिर जो कलर फायर्स के लिए सब्सटेंसेस यूज होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स है स्पेशली कुछ मिक्सचर सब्सटेंसेस है, कुछ सॉलिड और लिक्विड गैसेस जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, या फिर जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे मेन प्रैक्टिकल इफेक्ट एक्सप्लोजन होगा या फिर पायरोटेक्निक इफेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे फायर कैच हो सकती है या फायर के साथ टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, या फिर कहीं पे आपको फॉग सिग्नल्स भी देने हैं तो वो फॉग सिग्नल्स जैसे कि मिलिट्रीज में ये यूज होता है, तो जहां पर भी आपको ऐसे कुछ सिग्नल्स देने रहते हैं तो वहां पर भी आपको एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज करना पड़ता है, या फिर फायर वर्क जो नॉर्मली हम कुछ ऑकेजन्स में यूज करते हैं, कहीं पे फ्यूजेस या रॉकेट्स या परक्यूशन स्कैप्स होते हैं, डिटोनेटर्स होते हैं, कार्ट्रिजेस होते हैं, एमिनेशंस होते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो केमिकल्स हैं या फिर जो मटेरियल्स यूज किए गए हैं वो स्पेशली
एक्सप्लोजन यानी कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन पॉइंट ऑफ व्यू किए गए। तो ये जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस दिए गए, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लोजिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका मेन पर्पस एक्सप्लोजन ही है, इसीलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन में क्लियरली ये सभी जो मटेरियल्स आएंगे या केमिकल्स आएंगे ये एज अ एक्सप्लोजिव यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। यानी ये जो मटेरियल डिफाइन किए गए हैं इसमें अगर आपको कुछ आपको स्टोर करना है, इसका सेल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है या मैन्युफैक्चर करना है तो इसके लिए आपको एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 लागू होगा। इसमें बहुत सारे अलग बाकी के डेफिनेशंस भी दिए, जैसे कि एक्सपोर्ट है या फिर इंपोर्ट है या फिर मास्टर है, मैन्युफैक्चर है, या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड वर्डिंग यूज करते हैं हम नॉर्मली या फिर वेसल यूज करते हैं, तो ये जनरल मीनिंग जो होते हैं वही यहाँ पे मीनिंग से। सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पे वेसल जैसे वर्डिंग यूज होते होंगे ये सभी वेसल्स जो स्पेशली एक्सप्लोजिव केमिकल्स के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है फिफ्थ सेक्शन, इसमें है पावर टू मेक रूल्स एज टू लाइसेंसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पोजेशन यूज सेल ट्रांसपोर्ट एंड इंपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। यानी कि यहाँ पे ये सेक्शन 5 में पावर है, स्पेशली इसलिए है कि रूल्स में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, चेंजेस करने हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दिया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि आपको रूल्स में चाहे वो पोजेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए या ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए, एक्सप्लोजिव के लिए आपको जो भी एक्टिविटी वर्कआउट करनी है तो उसमें रूल्स में अगर कुछ चेंजेस करने, मॉडिफिकेशंस करने, अपडेट्स करने हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है। तो ये है फिफ्थ नंबर, और यही सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव रूल है वो एक्सप्लोजिव रूल यहाँ पे आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सेंट्रल रूल जो निकाला है वो ये सेक्शन 5 के हिसाब से। 5A है इसमें, तो ये 5A पर्सन ऑलरेडी इन बिजनेस, तो ये ऑलरेडी जो एक्सप्लोजिव का बिजनेस करते हैं चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, सेल एक्टिविटी हो, स्टोरेज एक्टिविटी हो, तो 1884 के अगर पहले आप बिजनेस करते हैं और उसमें बाद में ये एक्सप्लोजिव एक्ट और रूल बाद में आ चुका है तो आपके लिए भी ये लागू होगा। जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस दी गई है वो आपके लिए लागू होगी। सेक्शन 6 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोविड द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि यहाँ पे जो प्रोविजन है ये स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग पोजेशन यूज सेल ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये लाइसेंसिंग ओरिएंटेड है, और यहाँ पे जो है 6 नंबर में ये प्रोहिबिशन है, तो यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटी होगी यहाँ पे ये बैन कर सकते हैं, और ये एक्टिविटीज बैन मैन्युफैक्चरिंग की भी हो सकती है, इंपोर्ट की भी हो सकती है, या फिर अगर आप स्टोरेज करते हैं, कैरी करते हैं डेंजरस एक्सप्लोजिव तो उसके लिए ये जो सेक्शन 6 है उसको यहाँ पे प्रावधान दी गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आपकी जो भी एक्टिविटीज चल रही है वो यहाँ पे बैन कर सकते हैं, अगर वो इलीगल है या फिर जो भी आपको गाइडलाइंस दी गई है आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये सेक्शन 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई। सेक्शन 6A है जो है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर पोजेशन सेल और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव बाय यंग पर्सन, यहाँ पे स्पेसिफिक है यानी कि यहाँ पे लेस देन 18 ईयर्स के अगर पर्सन होंगे, यहाँ पे चिल्ड्रंस होंगे या फिर कोई दूसरे ऐसे पर्सन होंगे जिनको एक्सप्लोजिव के बारे में मालूम नहीं है और जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पर भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या स्टोरेज एक्टिविटी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी यहाँ पे आप बैन कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई है, तो जहां पे ये स्पेशली लेस देन 18 ईयर्स वाले या फिर जहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज या फिर ऐसे एक्टिविटीज चल रही होंगी जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे एक्टिविटीज जो है वो बैन करने की प्रोविजन यहाँ पे 6A में दी गई है। ये स्पेशली जनरली एक्सप्लोजिव के लिए है और ये जो 6 नंबर है ये डेंजरस एक्सप्लोजिव के लिए। 6B जो है ग्रांट ऑफ लाइसेंस, तो लाइसेंस जो स्टोरेज एक्टिविटी के लिए हो या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या सेल हो
या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्टिविटी हो, जो भी है, हर एक चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। तो विदाउट लाइसेंस आपके लिए ये जो एक्टिविटीज है वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। 6C जो है वो है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस। इनकेस जो भी आपको बताया गया है कि स्टोरेज आपको इसी तरीके से करना है, ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से करना है, आपको व्हीकल ये यूज करना है, आपको ये सिंबल यूज करना है और इसके लिए आपको ये ट्रेनिंग देना जरूरी है, जो भी रिस्क है या एक्सपोजर लिमिट है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये सभी बातें अगर आपने गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे या फिर जो मैक्सिमम स्टोरेज क्वांटिटी भी देते हैं या फिर स्पेसिफिक जो डेफिनेशंस में बताए गए, अगर वही केमिकल्स का आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिया है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है। तो ये रिफ्यूजल की जो प्रोसेस है वो 6C के अंडर है। 6D है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है यानी कि लाइसेंस प्रोवाइड करता है, तो उसको ये स्पेशली जो एक्सप्लोजिव है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मैक्सिमम क्वांटिटी और उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल नॉलेज होता है। तो यही अथॉरिटी जो है, ये अथॉरिटी आपको लाइसेंस देती है। तो नॉर्मली इसलिए अगर आपने देखा होगा तो एक्सप्लोजिव ओरिएंटेड जो मेजर मेन अफेक्ट्स बॉडी है या फिर जो पर्सन है वो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव होता है। तो ये नागपुर में जो ऑफिस है यहाँ पर से आपको ये लाइसेंस मिल जाते हैं। तो उसके लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या वो खुद यहाँ पे आ सकते हैं और इंस्पेक्शन करके आपको, अगर ये सभी केसेस वैलिड होगी, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं वो आप फॉलो करते हैं, तो आपको लाइसेंस मिल सकता है। 6E जो है वेरिएशन सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो अगर आपको लाइसेंस लेना है या फिर लाइसेंस में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो उसके लिए 6E आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर इन केस जो भी आपको बातें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर लेस देन 18 इयर्स के लिए यहाँ पे अलाउड नहीं है या फिर ऐसे कुछ पर्सन यहाँ पे अलाउड नहीं है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके, तो इन केस वहां पे इंस्पेक्शन करने के बाद या इंस्पेक्टर ने अगर यहाँ पे देख लिया या फिर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया और वो ऑब्जेक्शन अगर वैलिड होता है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या फिर सस्पेंड हो सकता है। इनकेस अगर सस्पेंड होता है तो आपको रिटर्न में ये नोटिस मिल जाएगी कि आपका लाइसेंस ये पर्टिकुलर वैलिड रीजन की वजह से सस्पेंड हो चुका है, और इनकेस अगर आपने ये प्रोविजंस चेंज की या फिर आपने ये जो एक्टिविटीज है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर आपने ये फॉलो किए तो आपको ये लाइसेंस फिर से मिल सकता है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड होगा कि एग्जैक्ट किस वजह से ये सस्पेंड हो चुका है और किस वजह से ये वापस से रिवोकेट हो सकता है। तो ये लाइसेंस कैंसिलेशन भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है या फिर आप रिन्यू भी कर सकते हैं। ये सभी प्रोविजन 6E में दी गई। 6F ये अपील के बारे में है, जैसे कि लाइसेंस आपका रिफ्यूज होता है या फिर सस्पेंड होता है, कैंसिल होता है, रिजेक्ट होता है, अगर आपको जो भी कंडीशंस दी गई है वो अगर कंडीशन आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं ये सभी चीजों के लिए। तो ये सेक्शंस 6B to 6F जो है ये मेनली लाइसेंस ग्रांटिंग ओरिएंटेड या रिफ्यूजन या फिर जो सस्पेंशन वेरिएशंस या रिवोकेशंस या अपील के बारे में जो है वो दिया गया। तो सेक्शन 6 जो है मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स और उसके जो प्रोविजंस के लिए जो प्रावधान दिए गए और लाइसेंस के ओरिएंटेड जो है वो प्योरली बताता है। सेक्शन 7 जो है वो सेक्शन 7 बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर, जहां पे स्पेशली ये इंस्पेक्शन के लिए, सर्चिंग के लिए या फिर सीजर या डिटेंशन या रिमूवल के लिए, यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटीज के लिए आपको लाइसेंस दिया गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो स्टोरेज एक्टिविटी हो या फिर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी हो, इनकेस अगर वो एक्टिविटीज ठीक से चल रही है या नहीं है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस के लिए भी कर सकते हैं या फिर जो फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्शन होता है वहां पर भी कर सकते हैं, और इनकेस अगर उनको लगता है यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है तो
तो ये जो आपका मटेरियल होगा ये मटेरियल जब्त भी किया जा सकता है। तो इन केस यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर वो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे वो डिपेंड्स है कंडीशंस पे कि आपका लाइसेंस रिमूव किया जाए या फिर जो भी मटेरियल है उस पर जब्ती लिया जाए या फिर जो भी लाइसेंस है उसका सस्पेंशन या कैंसिलेशन किया जाए। तो वो सब एक्टिविटीज इंस्पेक्शन या सर्चिंग के दौरान जो भी यहाँ पे आएगी उस हिसाब से वो एक्टिविटीज का एक्शन होगा। सेक्शन 8 जो है वो है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि इनकेस जो भी एक्टिविटीज हम बात कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर इस दौरान कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जो एक्सीडेंट की नोटिस है ये आपको चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव और जो भी लोकल यहाँ पे अथॉरिटीज होंगी उनको आपको ये बताना होगा कि ये जो एक्टिविटीज हम कर रहे थे ये एक्टिविटीज के दौरान यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो चुका है, हमने ये क्वांटिटी में ये मटेरियल हमने कैरी कर रहे थे और उसी दौरान ये एक्सीडेंट हो चुका है, तो आपको जो भी हेल्प चाहिए वो लोकल अथॉरिटीज से या फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव से आपको गाइडलाइंस या डायरेक्शन मिल जाएंगे। और उसके बाद में ये एक्सीडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए उसके लिए भी आपको यहाँ पे गाइडलाइंस मिल सकती है। सेक्शन 9 जो है वो है इंक्वायरी, अगर एक्सीडेंट होता है इंसिडेंट होता है या फिर किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन दिया है तो वहां पे आपकी यहाँ पे इंक्वायरी हो, तो ये इंक्वायरी के दौरान जो भी यहाँ पे मेन लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी उनकी मेन इंक्वायरी होगी, उसके अंडर जो भी यहाँ पे काम करते होंगे उनकी भी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने ये लाइसेंस आपको दिया है उसके बारे में भी यहाँ पे पूछताछ होगी कि किस कंडीशन पे ये लाइसेंस मिल चुका है आपको और वो कंडीशन को आपने फॉलो किया है या नहीं। इनकेस ये अगर ऑफेंस प्रूव हो जाता है या फिर जो भी पनिशेबल एक्शन यहाँ पे हो सकती है तो ये इंक्वायरी के बेसिस पे आपको यहाँ पे पनिशमेंट भी मिल सकते हैं या फिर ऑफेंस भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। फिर है सेक्शन 9A, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अथॉरिटी है कि अगर यहाँ पे फैटलिटी होती है या फिर डेंजरस एक्सीडेंट होता है, सीरियस एक्सीडेंट है या मेजर एक्सीडेंट केस है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स या एक्सपर्ट कमिटी मेंबर यहाँ पे आ सकते हैं, अदरवाइज अगर एक्सीडेंट छोटा है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो लोकल अथॉरिटीज होती है वो यहाँ पे सर्च करेगी और जो भी इंक्वायरी होगी वो डिटेल कंप्लीट करेगी। सेक्शन 10 है एक्सप्लोजिव विथ रिसेप्टेकल शैल बी फोरफिटेड बाय द कोर्ट आफ्टर कन्विक्शन, तो यहाँ पे सेक्शन 10 में ये प्रोविजन है कि अगर इनकेस जो भी आप मटेरियल कैरी कर रहे तो वो एक्सप्लोजिव को फॉरफीचर करना होगा, तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस या फिर जो आपके जो पैकिंग मटेरियल होगा या फिर कंटेनर्स होंगे, रिसेप्टेकल्स होंगे, तो वो जो भी आपने बाहर लिखा है या फिर जो भी पैकिंग लेबल लिखा है उसी हिसाब से वो रिसेप्टेकल्स में आप एक्सप्लोजिव कैरी कर रहे इसका भी क्रॉस चेक हो सकता है। सेक्शन 11 जो है वो है डिस्ट्रेस्ड ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल, तो एयरक्राफ्ट से अगर आप ये एक्सप्लोजिव कैरी करते हैं या फिर वेसल्स कैरी करते हैं जिसमें एक्सप्लोजिव रखा गया है तो वहां पे ओनर या फिर जो मास्टर होगा एयरक्राफ्ट का या फिर जो वेसल्स का होगा उसको ये सभी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। इनकेस अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो ओनर या मास्टर को यहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है या फिर यहाँ पे जो भी गुनाह है वो दाखिल यहाँ पे हो सकता है। तो ये एयरक्राफ्ट और वेसल्स के बारे में डेफिनेशंस में क्लियरली बताया गया है कि एग्जैक्टली वेसल्स या जो एयरक्राफ्ट है वो स्पेसिफिकली हम एक्सप्लोजिव के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसी हिसाब से जो पैकिंग के लेबल्स होंगे वो आपको यहाँ पे देने होंगे। फिर है सेक्शन 12 जो है अबेंडमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड रूल, तो अगर इनके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, आप क्वांटिटी जो बताई गई है उससे ज्यादा क्वांटिटी अगर आप कैरी करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर स्टोर करते हैं तो लोकल अथॉरिटीज जो होंगी वो लोकल अथॉरिटीज आपको यहाँ पे पनिशमेंट दे सकती है। तो कंडीशंस आपको क्या दी गई है, लाइसेंस किस लिए दिया गया है, लाइसेंस में कंडीशंस क्या बताई गई है
उसी हिसाब से यहाँ पे जो भी लोकल अथॉरिटीज है, जैसे कि लोकल अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, पुलिस स्टेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, या फिर अगर ये ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल होगा तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आपके कोई पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में ये कुछ एक्टिविटीज होती होंगी तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट होगा वो भी यहाँ पे अथॉरिटी हो सकती है। तो ये अथॉरिटीज यहाँ पे चेक करेंगे कि एग्जैक्टली आपको लाइसेंस किस बारे में दिया गया है, किस कंडीशन पे दिया गया है, और अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे ऑफेंस यहाँ पे हो सकता है, या फिर जो भी पनिशमेंट एक्शन होगी वो पनिशमेंट एक्शन भी यहाँ पे हो सकती है। सेक्शन 13 जो है वो सेक्शन 13 है डेंजरस ऑफेंस के लिए। इन केस यहाँ पे हायर रिस्क पे अगर ये एक्सप्लोजिव एक्टिविटी जाती है, या फिर जो भी पर्सन है वो पर्सन की जो कमिटमेंट उन्होंने बताई है या फिर जो भी गाइडलाइंस बताए गए उसको अगर वो फॉलो नहीं करते होंगे, और जिस वजह से यहाँ पे अगर मेजर एक्सीडेंट होता है या फिर मेजर रिस्क होती है, फैटलिटी ओरिएंटेड रिस्क होती है, तो वहां पे विदाउट वारंट भी आपको वो पकड़ सकते हैं और जेल में लेके जा सकते हैं। तो डिपेंड्स है कि कंडीशन क्या है, और कंडीशंस के बेसिस पे जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन होंगे वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बेसिस पे यहाँ पे ये एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 14 जो है वो है सेविंग एंड पावर टू एग्जेम्प्ट। तो सेक्शन 8, 9 और 9 ए में जो आपको बताया गया है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या पोजेशन या फिर जो यूज है या फिर ट्रांसपोर्ट है या फिर इंपोर्ट एक्टिविटीज है एक्सप्लोजिव के बारे में, तो वो आपको कंपलसरी फॉलो करनी है। इन केस ये अगर एक्सप्लोजिव की एक्टिविटी अगर आर्म फोर्सेस ओरिएंटेड होगी या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओरिएंटेड होगी तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं, अथॉरिटीज अलग हो सकती है। तो उस हिसाब से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर से उसमें उन्होंने एग्जेम्पशंस दिया है कि अगर ये आर्म फोर्सेस ओरिएंटेड है तो आर्म फोर्सेस में यहाँ पे ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोविजंस रहती है या फिर परमिशंस होती है, उस हिसाब से वो एक्सप्लोजिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कि कहीं एरियाज में या आर्म फोर्सेस के अंडर जो आते हैं वहां पर रिसर्च एक्टिविटीज होती है, लैबोरेटरीज में उनको ये एक्सप्लोसिव यूज करने पड़ते हैं, क्वांटिटीज भी हायर साइड में हो सकती है, तो ये सभी चीजें वो अथॉरिटी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स वो चेक करेंगे। और इस एरियाज में अगर आपको ये रिसर्च एक्टिविटीज करनी है, ट्रायल्स लेने हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है, तो वो पर्टिकुलर जो भी फोर्स होगा वो, जैसे कि हमने आर्म फोर्स बताया, तो ये आर्म फोर्सेस के ऑफिसर जो है वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किस पर्सन को अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ लाइसेंस दिया है तो वहां पर भी ये एग्जेम्पशंस लागू हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है या फिर ऑफिशियल गैजेट निकाला है और उन्होंने अगर बताया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन या ओनर और इन एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनको परमिशन है और जो भी यहाँ पे रूल्स हमने बताए हैं वो यहाँ पे उनके लिए एग्जेम्प्शन है, अगर ऐसा भी नोटिफिकेशन होगा तो भी यहाँ पे ये सेक्शन 14 के हिसाब से वहां पे पावर टू एग्जेम्प्ट यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा स्पेसिफिक जो केस है जो है आर्म फोर्सेस के लिए जो हमने अपनी बात की, तो यहाँ पे अगर आर्म एक्ट 1959 आपको अगर लागू होता है तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लोसिव एक्ट है वहां पर कुछ चीजों के लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो ये चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो पजेशन एक्टिविटी हो, सेल हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंपोर्ट हो या एक्सप्लोजिव ओरिएंटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो, तो अगर आर्म एक्ट 1959 के हिसाब से अगर आपको लाइसेंस मिलता है, आपको लाइसेंस ग्रांट हो चुका है या फिर आपको पर्टिकुलर ऑर्डर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन मिल सकते हैं या फिर कुछ परमिशन यहाँ पे मिल सकते हैं अगर वो आर्म एक्ट 1959 के रेफरेंस से होगा। उसके अलावा है 16 नंबर सेक्शन जो सेविंग एज अ लायबिलिटी अंडर द अदर लॉज। तो अगर कुछ अदर लॉज और ये एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 अगर यहाँ पे ओवरराइट होता है तो वहां पर आपको ये चेक करना होगा अगर जो भी स्ट्रिंजेंट लॉज होंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर जो सेक्शंस होंगे अगर आपको वो ओमिट करने के लिए यहाँ पे चांस होगा
वो भी लाइबिलिटी यहाँ पे ये पर्टिकुलर लॉ में दी गई है। तो डिपेंड से ये, क्योंकि स्पेशली एक्सप्लोजिव जो है ये जो आर्म फोर्सेस या मिलिट्री एक्शंस या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो होती है, R&D, R&D के अंडर कुछ लैबोरेटरीज भी होती है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है जिसके यहाँ पे वहां पर शायद दूसरे लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, तो वहां पर भी ये आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। सेक्शन 17 जो है वो है एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव टू द अदर सब्सटेंसेस। तो जो भी हमने सेक्शन 4D में बताई गई है जो एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन है, तो अगर यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन निकल जाता है, कोई ऑफिशियल गैजेट में कुछ पब्लिकेशन होता है और वो सब्सटेंसेस में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं या फिर जो केमिकल नेमिंग है उसमें कुछ एडिशन हो जाता है या फिर सब्सट्रैक्शन हो जाता है, तो वो नोटिफिकेशन और ऑफिशियल गैजेट जो है वो आपको जो लेटेस्ट होगा वो यहाँ पे लागू होगा। तो ये भी यहाँ पे प्रावधान सेक्शन 17 में दिया है। सेक्शन 17A जो है वो है पावर टू डेलीगेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑथोरिटी है कुछ नोटिफिकेशन या ऑफिशियल गैजेट से वो पर्टिकुलर आपको डायरेक्शन दे सकते हैं और कुछ सेक्शंस में अगर आपको चेंजेस करने हैं, जैसे अभी हमने सेक्शंस देखे थे सेक्शन नंबर 5, 6 या 6A या फिर 14 और 17, तो यहाँ पे ये अलग अलग सेक्शंस है जहां पर ये कुछ मैटर्स या कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ कंडीशंस यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो जो लेटेस्ट कंडीशंस या फिर जो एक्सपीरियंस होगा कुछ यहाँ पे इंसिडेंट या एक्सीडेंट होगा तो वहां पर ये सेक्शंस में भी चेंज करने के लिए ये पावर दी गई है। तो ये पावर भी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। उसके अलावा है जो 18 सेक्शन है वो है प्रोसीजर फॉर मेकिंग पब्लिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ रूल्स। तो आपको यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव एक्ट बनाया गया है या फिर जो गाइडलाइंस दी गई है उसके दौरान यहाँ पे सिर्फ जनरल गाइडलाइंस कुछ बताए गए, तो इसके बेसिस पे अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आपको अगर कोई नोटिफिकेशन बताना है, कुछ डायरेक्शंस देनी है या फिर कुछ डिटेलिंग बताना है तो उसके लिए आप रूल बना सकते हैं। ये सेक्शन 18 में यहाँ पे गाइडलाइंस बताए। तो ये प्रोसीजर चाहे वो रूल्स प्रिपरेशन के लिए हो या फिर पब्लिकेशन के लिए हो या फिर ऑफिशियल गैजेट बनाने के लिए हो या फिर जो भी कंफर्मेशन है, जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए उसके लिए, तो ये सेक्शन 18 के हिसाब से आप रूल्स बनाने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए ये यहाँ पे प्रावधान किया गया। तो ये जनरल आइडिया थी ओवरऑल एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के बारे में। धन्यवाद।